दोस्तों आज अपने किचन में चल रहे हैं गाजर की गरम गरम हलवा बनाने के लिए। दोस्तों बहुत काफी टेस्टी है, विटामिन से भरपूर पाने जाने वाली हलवा है। दोस्तों सेहत के लिए सर्दी के मौसम में बहुत काफी फायदेमंद है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक संध्या दिया थी गीत हमारा भी है, उसमें भी जाके आप लोग सपोर्ट करें, जाके हमारा चैनल आगे भी बढ़े। हम सोच रहे हैं कोई भी चैनल हमारा आगे आप लोग को बढ़े, जाके हम भी कुछ यूट्यूब से कमा सकें। तो दोस्तों यहाँ पर आज चल रहे हैं विटामिन से भरपूर पाने जाने वाली गाजर के हलवा बनाएंगे। आप बहुत आसान तरीका दोस्तों बनाएंगे, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगता तो एक लाइक करके जाइएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पे गैस को जला लेंगे, इस पर रखेंगे एक कढ़ाई गर्म होने के लिए। तो अब दोस्तों छत पर चूल्हा पे जल्दी वीडियो हम बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब ठंडा मौसम आ गया है। अब यहाँ पे देखिए हम लिए घी लिए हैं 2 चम्मच, उसके बाद दिखा दे रहे हैं क्या क्या लिए हैं। गाढ़ी को चस्के ले लिए हैं, यहाँ पे कुछ काजू बादाम हमने चस लिए हैं, और इसके बाद यहाँ बादाम है, इसके बाद यहाँ पे किशमिश लिया है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि इलायची को खलबट्टे में दर्रे कूट कर इसके छिलके उतार कर रख लिए हैं। यहाँ पे चीनी, जैसे मीठे हलवा को खाना पसंद करते हैं उस तरह से चीनी डाल सकते हैं। यहाँ पे गाजर को हमने धोकर अच्छे से छिलके उतार लिए हैं, और यहाँ पे लिए हैं 1/2 लीटर दूध है। अब हम क्या करेंगे, गाजर को सबसे पहले हम चस लेंगे। तो दोस्तों आप लोग बोले थे कि बहुत कम वीडियो आप बनाए, यहाँ सिस्टर घर पे अपने गए थे, तो जैसे देख रहे थे कि हम लोग को गाड़ी बहुत ज़्यादा लेट आई थी, तो हम लोग 10:30 बजे घर से निकले थे, और उसके बाद जाम में भी फंस गए थे कुछ हम लोग, तो लेट हो गया पहुँचते समय हम लोग को वहाँ पे, तो वीडियो हम नहीं बना पाया था। स्वीट चर्चा हुआ था तो उसका वीडियो भी पड़ा है, नहीं छोड़ पाए हैं। देख रहे हैं जोड़कर उसका वीडियो, थोड़ा थोड़ा सीन आप लोग को दिखा देंगे। और जैसे खानदान भी जहाँ पे हो रहा था नीचे हो रहा था सारा, तो जैसे देखते हैं सर में आप लोग जानते हैं पहले थोड़ा सा जगह रहता है हर जगह से, तो साची बाबा रिकॉर्डिंग किए नहीं थे, साची बाबा जानते हैं कोई मिल जाता तो बात करने लगते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते हैं जल्दी। और ऊपर का सीन था तो थोड़ा सा हमने कर लिए थे, तो वही आप लोग को बीच में छोड़े थे वीडियो। तो यहाँ पर देखिए बना रहे थे, आप लोग बोला है पूरा वीडियो आप गए क्यों नहीं बनाकर दिखाए। वहाँ पर जैसे देख रहे थे उनका घर ऊपर भी था नीचे भी था उनका रूम, तो नीचे का सीन हम नहीं लिए, बस ऊपर का सीन उनको जिस रूम में वो रहती थी वही रूम का लिए सीन। तो आप लोग को वीडियो हम जोड़ के दिखा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा जाकर। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम वीडियो कहीं जाते हैं तो बनाना चाहते हैं कि बना नहीं पाते हैं, ये भी नहीं रहता कि कोई कहता है कि वीडियो मत बनाइए, वीडियो बनाने के लिए सब छूट भी हमको देते हैं कि बना लीजिए वीडियो, बाकी जानते हैं कहीं जाने में रहता है ना कि कुछ ना कुछ हाथ बनाना पड़ जाता है। तो उस तरह तो वहाँ पे करने वाले बहुत ज़्यादा लोग थे, पहले कुछ करना नहीं था हमको वहाँ पे, क्योंकि तभी हम सोच रहे थे वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो बना नहीं पा रहे थे वहाँ पर। कहाँ कौन बाटी बैठल बानी, इधर वीडियो बनत बा, गाजर का हलवा हलवा आओ धनी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि मेरी नंद है बलिया की है, पहले तो बलिया भाषा बोल रही है, तो यहाँ पर हम वीडियो भी बना रहे थे तब तक उनका फोन भी आ गया यहाँ पे, तो उधर की भाषा बहुत अच्छा लगता है थोड़ा, तो जैसे का कोटवाड़ी का बाली और सासु ठीक बाड़ी आपके, चलिए तब ठीक बात। अब यहाँ पे देखिए चस्के हमने रख लिए हैं इस तरह से, कुछ चसे हैं इसको, इसको हम जैसे देखते हैं हमारे वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं, बिना चसे भी बनाए हैं 2-3 वीडियो बनाए हैं गाजर का हलवा का, तो जाके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, कढ़ाई को गैस जला लिए हैं, तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच में भर के घी डालेंगे, घी को अच्छे से कढ़ाई में खिला लेंगे। तो इसमें डाल लगाए कढ़ाई में, तो साक्षी बाबा जैसे देखते हैं कि जैसे बनिया वाला भाषा था बहुत काफ़ी अच्छा लगता है लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे साक्षी बाबा उसमें रिकॉर्डिंग चालू कर दिए थे, तो आप लोग को जरा सम सुना दिए हैं। तो बलिया के हमारे बहुत बहने हैं जैसे वीडियो बनाती हैं, तो बहुत तो उनका सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से भुनेंगे पहले इस तरह से, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे गाजर को हम भून रहे हैं, तो कलर इसका देखिए हल्का सा चेंज हो गया है भूनते समय। अब इसी में हम डालेंगे दूध को, यहाँ पे 1/2 लीटर दूध लिया है, मलाई वाला दूध है हमारा है, इसमें हम डाल रहे हैं। आप दूध को जैसे डालेंगे उस तरह से दूध को आपको जलाना पड़ेगा ज़्यादा देर तक, तो यहाँ पे 1/2 लीटर हम दूध लिए हैं, इसमें डालकर अच्छे से इसको हम मिक्स कर ले रहे हैं।
अब इसको इसी तरह हम ढककर पकाएंगे पहले। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हल्का सा इसको खोलकर इस तरह से पका रहे हैं, तो बहुत काफी अच्छे से देखिए कलर भी इसका हल्का का बहुत काफी अच्छा आ रहा है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी को, चीनी जैसे कम बेसी खाते हो उस तरह से आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम चीनी लिए हैं, तो चीनी की थोड़ी सी बचा दिए हैं क्योंकि हलवा ज़्यादा बहुत मीठा हो जाता है तो खाने में अच्छा नहीं लगता उतना। अब चीनी डालने के बाद क्या करेंगे, यहीं पे हम डालेंगे मुनक्की को, यहीं पे डालेंगे गड़ी। अब इसको डालकर अच्छे से मिलाएंगे पहले। तो गड़ी को चस कर हमने ले लिए हैं, यहीं पे देखिए हम डालेंगे इसको इलायची को, इलायची जाके अच्छे से भिन जाएगा हलवा में तो स्वाद बहुत काफी अच्छा लगता है इलायची का। अब यहीं पे डालेंगे चसी हुई गड़ी, अरे सॉरी बादाम, काजू और थोड़ी सी ऊपर से सजाने के लिए रख ले रहे हैं। हम अच्छे से इस तरह से ढक देंगे, ढक कर इसको पकाएंगे 5 मिनट अच्छे से पकाएंगे इसको हम। तो दोस्तों बच्चे जैसे देखते हैं उस तरह से गाजर नहीं खाना चाहते हैं, गाजर जैसे देखते हैं खून बढ़ाने में भी मदद करता है हमारे, विटामिन से भरपूर गाजर में पाया जाता है, सेहत के लिए काफी फायदेमंद रहता है गाजर। तो इस तरह से दोस्तों दूध में पका के बच्चों को खिला सकते हैं आप। तो इस तरह हलवाई लोग बिल्कुल इतना ज्यादा चीज डाल के मावे में नहीं बनाते हैं हलवा को। और यहाँ पे इस तरह से हलवा बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, हफ्ते दिन के लिए रख सकते हैं, 15 दिन के लिए रख सकते हैं। सर्दी के मौसम में हलवा खराब बिल्कुल नहीं होता है, उसको जरा सा दूध डालकर आप हलवा को उसमें डालकर गर्म करके खा सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से रख रहे हैं, अच्छी तरह से 5 मिनट और पका लेंगे हम अच्छे से। यहाँ देख सकते हैं आप लोग हलवा इस तरह से खाना पसंद करते हैं तो हल्का हल्का इसमें देखिए पहले हल्का हल्का पंसो इसमें है भी यहाँ पे। तो इस तरह से हलवा आप लोग खाना पसंद करते हैं तो इस तरह से हलवा को उतार लीजिए आप, अगर ना गर्म हलवा आप प्लेट में सेव करके खा सकते हैं। अब बहुत काफी टेस्टी हलवा बन के तैयार हमारा है। तो वीडियो आज का अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल अपने बगल में लाल घंटे उस पर जरूर दबाएं उसको, जाके सबसे पहले रेसिपी कोई भी बनाए तो आप लोग को हमारा मिले। तो देखिए हलवा बन के हमारा बहुत काफी टेस्टी तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर इसके ऊपर से थोड़ा सा हम सजा दे रहे हैं इस तरह से, ये बहुत काफ़ी टेस्टी हमारा हलवा बनके तैयार है। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।